What is up beautiful people, this is Simar. आज है थर्ड डे हमारा तारकरली में और हम लोग आए हैं कार्ली बैकवाटर एरिया में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है कार्ली खाड़ी बोलते हैं, कार्ली रिवर बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कार्ली फिश है, कार्ली फिश समुंदर में होता है, दिस इज़ बैकवाटर। मुझे अभी इन्होंने बताया आपका नाम अरुण है ना, अर्जुन। तो ये है आज के हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमने इन्हें हायर किया है। इनका कार्ड और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन पर। और अभी हम जाने वाले हैं बोट राइड पे, जहाँ पे हम लोग कौन कौन सा पॉइंट कवर करेंगे। आपका सिंगा पॉइंट रहेगा, बोगवे बीच रहेगा, क्रोकोडाइल से पॉइंट रहेगा, और सुनामी आइलैंड। सुनामी आइलैंड, बगवे बीच, क्रोकोडाइल पॉइंट और संगम पॉइंट जाएंगे, चार पॉइंट जाएंगे, जहाँ पे हम मेनली कायाकिंग करने वाले हैं। और फिर बाद में देखते हैं, अगर बच्चों का मूड सही रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन, वेदर इज़ फाइन, ज़्यादा धूप नहीं हुई, तो देन प्रॉब्ली विल ऑल्सो डू दी वाटर स्पोर्ट्स। मॉम, सिस्टर सब रेडी है? रेडी अंगद कबीर? हाँ, द मेन पॉइंट इज हमें कायाकिंग करनी है, बट लेट्स सी। समूर निद्रा ज़्यादा लग गई दादी दादी। जीजा जी इज ऑल्सो ऑल सेट। सुबह सुबह उठना पड़ा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी नहीं होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कायाकिंग वायाकिंग करने के लिए, और पानी भी जो होता है वो काम होता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, मिलते हैं आपको वहाँ पे। वैसा स्टॉल्स लगा के रखे हुए हैं, पहले वहाँ पे आइलैंड था सुनामी आइलैंड, बट अभी पानी की वजह से वो पूरा सबमर्ज हो चुका है, लेवल बढ़ने की वजह से वो पूरा पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। तो मिलते हैं आपको कायाकिंग करते हुए या एटलीस्ट बोट राइड पे। सी यू लेटर। सो द बोट राइड स्टार्ट्स। पहले किधर जा रहे हैं? हम लोग संगम पे जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द संगम पॉइंट। संगम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बाद में वो बताएंगे हमें कि कहाँ पे जाना है। सो लेट्स एंजॉय द राइड। दिस इज़ अ संगम पॉइंट, वहाँ पे अरेबियन सी है एंड दिस साइड इट इज बैकवाटर, कार्ली बैकवाटर। एंड दिस इज दी आइलैंड वेयर द सी बर्ड्स कम्स। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये आउट ऑफ कंट्री से आते हैं एंड इनका एक प्रॉपर रूटीन होता है, वेर इन नाउ तारकरली दे विल मूव ऑन टू फर्दर साउथ, जैसे कि कर्नाटका एंड ऑल दैट। दिस इज अ स्मॉल आइलैंड, हाई टाइड की वजह से थोड़ा सा ही दिख रहा है, लो टाइड की वजह से पूरा आइलैंड ऐसा बड़ा दिखता है। ब्यूटीफुल बीच। इसीलिए इसे क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसका ऐसा मुंह जैसा है लंबा, और ये उसका पूरा बॉडी है, और इस तरफ जो है वो उसका ऐसा टेल जैसा है। तो इनके हिसाब से, लोकलाइट्स के हिसाब से, ये पूरे आइलैंड को ऐसा क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ यू नो आर्टिस्टिक विजन, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल पॉइंट। बहुत ब्यूटीफुल है, और पानी की ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इट इज़ लाइक अराउंड मे बी 6-7 feet, that's it. मुझे नहीं पता था BMW बोट्स भी बना दिया, वो भी ऐसी वाली, आई नो दे मेक स्पीड बोट्स एंड ऑल, बट ऐसा देसी बोट्स भी बना दिया पता नहीं था मुझे। ब्यूटीफुल। क्रोकोडाइल बीच के, क्रोकोडाइल आइलैंड के पास जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड मिनी केरला। जैसे इन दैट की पूरा केरला जैसा वाइब और फीलिंग आता है, एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट, केरला बैकवाटर्स।
सो वी आर हैविंग अ प्लेट ऑफ मोदक, गर्मा गर्म मोदक. दिस इज 40 rupees पर प्लेट. मस्त मस्त बना, सॉफ्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट. मस्त था. मस्त बना है मतलब. हाँ निकाल दो. डिलीशियस. सो नाउ द प्लान इज कि हम लोग कायाकिंग करने वाले हैं. कायाकिंग बोट यहाँ पे, मैं, मॉम और संपूर्ण एक बोट में रहेंगे. और फिर अगर मेरी सिस्टर को कॉन्फिडेंस आया तो फिर ये लोग भी करेंगे कायाकिंग. आई एम गोना वेयर माय एक्शन कैमरा नाउ एंड आई विल सी यू ऑन कायाक. इसमें तो नहीं कराएंगे ना? नहीं नहीं, इसमें आप खुद ही रहेंगे. नहीं गिरेंगे, कुछ भी नहीं. आओ आप इधर बैठो. दम लगा के आयशा आप चलाओ, इन्होंने नहीं चलाया तो कोई टेंशन नहीं. नहीं बहुत कितने कितने डिगेगा, मैं कहा ना मेरे अंदर डिगेगा तू, मेरे अंदर डिगेगा नहीं तो. शुरू में मॉम और संपूर्ण बहुत डर रहे थे, बट इवेंचुअली उनको कंफर्टेबल करने के बाद मैं, मॉम और संपूर्ण निकल पड़े कायाकिंग करने के लिए. जैसे कि आप देख सकते हैं वेदर भी बहुत प्लेजेंट है, पानी भी काम है और आसपास का व्यू भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. संपूर्ण इधर एक, मम्मी इधर एक, हेलो. आज मैं बहुत खुश हूं. आप वोटिंग कर रहे हैं कि केड़ी वोटिंग बोल देनो? कायाकिंग. कायाकिंग कर रहे हैं. मैं जिंदगी च बहुत खुश किया अपने बच्चों नाल, ते बाकी हुण एक खुशी मेरी जिंदगी च होर जुड़ी है जिदा मैनूं बहुत टाइम तो इंतजार ही, इस करके भी मैं बहुत खुश हूं. ते मेरा पोता भी नाल आ, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, कम टू मालवन, कम टू तारकरली. बहुत मजा आता है. मॉम कर रहे कायाकिंग अभी और संपूर्ण इज एंजॉयिंग द वाटर. और ये रहे हमारी रेस्ट ऑफ द फैमिली. अंकल आए कर आए. लाइफ इज गुड. मॉम के बाद मैंने अपनी सिस्टर को भी कायाकिंग कराई और उसे बहुत अच्छा लगा. इनिशियली वो डर रही थी मेरी मॉम की तरह, बट मॉम को देखकर उसे कॉन्फिडेंस आ गया और फिर वो भी एग्री हो गई टू डू द कायाकिंग. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मेरी मॉम, जीजू और सिस्टर ने कायाकिंग ट्राई की, बट दे रियली इन्जॉयड इट एंड इट वॉज टोटली वर्थ टू सी देयर एक्सप्रेशन एंड द वे दे वर इन्जॉइंग इट. सो फाइनली कायाकिंग के बाद वी हैविंग अ कप ऑफ टी. अंगद मजा आया? कबीर मजा आया? मजा आया? पैरासेलिंग, पैरासेलिंग, कायाकिंग. मम्मा ने भी मजा आया? संपूर्ण मजा आया? बहुत मजा आया. संपूर्ण तो एकदम रोमांटिक हो गए, घायल हो गए अंदर, पानी के अंदर हाथ पा के एकदम देवदास. बट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट. अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो देवबाग के बीच के यहाँ पे और इनके पास यहाँ, हाँ, और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, इनका कार्ड डिटेल शेयर कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, इनका विजिटिंग कार्ड शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन कम हेयर. अर्जुन नाम है उनका. और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है. आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह 7 बजे 7:30 बजे शुरू कर दीजिए
सो दैट 10 बजे तक आपका सब कुछ हो जाए, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है उसके बाद और फिर सनबर्न हो जाएगा। यहाँ पे जो नाश्ता मिलता है वो बहुत टेस्टी है। घावन भी बहुत बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ। उकड़ी चे मोदक घावन बहुत टेस्टी है, बाहर भी वैसा नहीं मिलेगा। उकड़ी चे मोदक मैंने आज तक ऐसा खाया नहीं है जैसा इन्होंने यहाँ पे बनाया था। यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट इट। जो कायाकिंग है वहाँ पे, कायाकिंग का जो कॉस्ट है फॉर 3 पीपल इन 1 कायाक, दैट इज़ 400 रुपीज़, अदरवाइज 200 रुपीज़ पर सीट। और आई थिंक द टाइमिंग इज़ अराउंड 15 to 20 minutes, बट मैंने तो आई थिंक मोर देन 40-45 minutes की मैंने। बट या ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नाउ वी हैविंग अ कप ऑफ टी। चाय पीने के बाद अब हम वापस जाएंगे जेटी पे, एंड देन वहाँ से विल गो टू आर रूम। यू कैन डू जेट स्कीइंग एज वेल। यहाँ पे जेट स्की भी है, बनाना बोट राइड भी है और कायाकिंग भी है। यू कैन सी यहाँ पे है, देखो बनाना बोट राइड, ये सोफा राइड, बम्पर राइड, ये बम्पर राइड, जेट स्की, आप सब कर सकते हैं यहाँ पे। मजा आया मामा? बहुत मज़ा आया। तो जैसे आप देवबाग के यहाँ पे आएंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो आपको ब्रेकफास्ट एंड ऑल इजीली मिल जाएगा। ये जो पूरा वे है ऐसा जेटी की तरफ जाता है, बट यू कैन हैव ब्रेकफास्ट एवरीथिंग, नो वरीज। मोस्टली एवरीथिंग अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा आपको, ऐसा बच्चों के लिए ट्यूब्स एंड एवरीथिंग, सनग्लासेस, कपड़े। ये जो लेन है जेटी की तरफ जाता है, एंड ये मंदिर है यहाँ पे, इसके यहाँ पे पार्किंग की हुई है हमने अपनी गाड़ी। सो ये है पार्किंग एरिया, हमारी गाड़ी खड़ी है, काफ़ी स्पेस है पार्क करने के लिए। हम सुबह बहुत जल्दी आ गए थे तो हमें ईजिली पार्किंग मिल गई, वैसे भी काफ़ी स्पेस है। और ये मंदिर के यहाँ से जेटी की तरफ रास्ता जाता है। बोटिंग हो चुकी है, कायाकिंग हो चुकी है, एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आर रूम। रूम में रहेंगे वापस और थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो अभी मिलते हैं आपको शाम को, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डे। कल हम चले जाएंगे बैक टू मुंबई। सी यू लेटर। A few moments later. लंच कर लेने के बाद और आराम कर लेने के बाद पूरी फैमिली ने रिसॉर्ट में रिलैक्स किया। संपूर्ण ने अपने मॉन्स्टर ट्रक के साथ खेला और फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए बीच पे। बीच पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बट उसकी परवाह किए बिना, जस्ट बिकॉज हमारा ये लास्ट डे था तारकरली में, पूरी फैमिली ने बीच में बहुत इन्जॉय किया। मैंने संपूर्ण को ट्यूब में बिठा के पानी में खिलाया और इसी तरह जीजू ने भी अंगद और कबीर को पानी में एंजॉय करवाया। फाइनली बैक टू आर रूम। आज का दिन बहुत मज़ेदार था। सुबह हमने कायाकिंग की, बोटिंग की, अलग अलग आइलैंड्स देखे। आई होप आपको ये वीडियोज़ देख के, तारकरली की सीरीज़ देख के बहुत मज़ा आया हो, जितना मज़ा हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करके आया। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ होती है ख़त्म। एंड विद दैट थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन पीस।